I would like to request to all the respected parents, please take their respective places. जब नाराज हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है. पसीना में बहाऊंगा जहां हरे हरे खेत ले मेरा आएगा.
इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब यही नन्हे मुन्ने बच्चे तो आगे चल के हमारे देश की रक्षा करेंगे, तो इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब इन्हीं बच्चों को देखते हुए मेरे मन में एक कविता आती है, जो किसी खत के रूप में, जो एक माँ ने कभी अपने सैनिक बेटे को लिखी थी, जो कुछ यूं है। अम्मा ने खत लिखा है चाव से, पुत्र तुम मत घबराना। अम्मा ने खत लिखा है चाव से, पुत्र तुम मत घबराना। तो एक इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। ये केवल खत नहीं लाडले, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ। इसके हर अक्षर के पीछे अपना देश समझ। बहन ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, बहन ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने लिखा है वंदे मातरम अपने सिंदूर से। तेरे बापू लिखवाते हैं, तेरे बापू लिखवाते हैं, तो एक इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। संसार चकित है देख।